हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? और अभी हम लोग उठ गए हैं और अभी मॉर्निंग के 9 बज रहे हैं। काफ़ी लेट हो गया है और मैं अभी फटाफट किचन में आ गई हूँ और ब्लैक टी बना ली है और साथ में है नमकीन। और अभी हमारा ये ब्रेकफास्ट होगा और ब्रेकफास्ट करने के बाद हम सीधे टेरेस पे आ गए हैं। देखिए, टेरेस पे पूरा गार्डन टाइप का बना हुआ है और मैं अपने टेरेस से ही अपने घर पूरे घर के आसपास का व्यू दिखाती हूँ। देखिए कितना अच्छा है। टेरेस से आने के बाद हम लोगों ने फटाफट खाना बना लिया है और यह चिकन्स की सब्ज़ी जो मेरे जेठ जी ने बनाई है जो कल आए थे, और यह है करेले की सब्ज़ी जो मैंने अपने लिए बनाई है, और ये कल के बचे हुए राइस हैं, मैं इनको गरम कर लूँगी। और रोटी बनाने के लिए आटा गूंद लिया है। मैं अब फटाफट रोटियाँ बना लेती हूँ। हम सभी का लंच हो गया है। लंच करने के बाद मैं आ गई हूँ सीधे किचन में और फटाफट पूरे किचन की क्लीनिंग कर लेती हूँ। उसके बाद मुझे बनाने हैं मोमो, क्योंकि मोमो खाने का मन हो रहा है। तो अभी मैं किचन की क्लीनिंग करने के बाद 1 घंटा रेस्ट किया है। रेस्ट करने के बाद मैं फिर से आ गई हूँ किचन में और मोमो बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। मोमो बनाने के लिए पत्ता गोभी कट कर ली है और सोयाबीन को मैश कर लिया है और एक आलू को कद्दूकस कर लिया है और इन सभी को अच्छे से निचोड़ लिया है और सारा पानी निकाल दिया है। और इधर ऑयल गर्म हो गया है, इसमें हमने डाला है प्याज। प्याज जैसे ही ब्राउन हुए उसमें हमने डाल दी है मिर्ची। मिर्ची डालने के बाद जैसे ही पक जाएंगी हम उसमें डाल देंगे थोड़ी सी हल्दी, और हल्दी डालने के बाद इसमें डाल देंगे स्टफिंग को और अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसमें कोई भी मसाला यूज नहीं करेंगे और इसमें डाल दिया स्वाद के अनुसार नमक और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर धीमी आंच पर इसे पका लेंगे। इधर मैंने 2 कटोरी मैदा ले लिया है और इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको अच्छी तरह से गूंद लेंगे और अच्छा सा डो तैयार कर लेंगे। हमारा डो रेडी हो चुका है और हमारी स्टफिंग भी बन चुकी है। देखिए कितनी अच्छी दिख रही है और कलर कितना प्यारा आया है। और फटाफट मैंने एक रोटी, बड़ी सी रोटी बेली थी और इनको गिलास से कट कर लिया है और इसमें स्टफिंग को भर देंगे। इधर मैंने सारे मोमो बनाकर रेडी कर लिए हैं और इनको स्टीम कर लेते हैं। और ये है हमारा जुगाड़ू स्टीमर। जब तक मोमो स्टीम हो रहे हैं हम इधर चटनी बना लेते हैं। इधर मैंने लाल चटनी बनाने के लिए धनिया और लाल मिर्च को गर्म पानी में भिगो दिया था, और लहसुन, अदरक स्वाद के अनुसार नमक, और इसमें हरी मिर्च को भी ऐड कर देंगे और एक टमाटर, और इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। और देखिए हमारी चटनी कितनी अच्छी बन गई दिख रही है। और इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसको थोड़ा और पतला कर लेंगे। और इधर पुदीने की चटनी बनाने के लिए पुदीना लिया है। इसमें भी लहसुन, अदरक, स्वादानुसार नमक, हरी मिर्ची डालकर इसको भी अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। और देखिए हमारी चटनी बनकर तैयार हो चुकी है।
हमारे मोमो पककर रेडी हो चुके हैं और देखिए कितने अच्छे मोमो बने हैं, दिखने में भी कितने अच्छे लग रहे हैं और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट थे। अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।